मध्य प्रदेश कोरोना पीड़ित प्रदेश है। यहाँ जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में वह हर गरीब आदिवासी वनवासी परिवार की खातिर सरकार के द्वारा यह आदेश जारी किएगा कि वन उपज मतलब तेंदू पत्ता संग्रहण के कार्य जो है या कोरोना के लॉकडाउन के दौर में जारी रही, किंतु सीधी से यह बेहद बड़ी खबर है जहाँ दुई जो है जिम्मेदारन के बेहद बड़ी लापरवाही के मामला सामने आवा है, जहां फड़ मुंशी और प्रबंधक खुलेआम जनता के साथ लूट का अंजाम दे रहे हैं, जनता का त्रस्त करे के कौनो मौका नहीं छोड़ी रहे हैं। हालात यहां तक है कि जनता बिचारी दू पैसा के आशा मां सवेरे 6 बजे जंगल जाती, 12 बजे तेंदू पत्ता तोड़ के आवा थे, किंतु वह तेंदू पत्ता जब फड़ मुंशी के लगे जाते कि यह पत्ता खरीद ली, तो उनके द्वारा कहा जाता है कि यह पत्ता हम न खरीदब। प्रबंधक के द्वारा कहा जाता है कि सब जने प्रति व्यक्ति 5-5 रुपया हमका दे, तब जाके तो हो पत्ता और यह गड्डी तेंदू पत्ता के हम खरीदब। बिंद क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल मा हम कनिष तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थी, शुरुआत करी थी यह सिस्टम के फेलियर के मतलब अव्यवस्थित सिस्टम के बेहद बड़ी खबर के जोड़े में अपना पंचन बताई दी कि सीधी मा जो है सीधी के शिवराजपुर समिति के प्रबंधक और फड़ मुंशी के जो है बेहद लापरवाही पूर्ण रवैया सामने आवा है। जो ने अपना पंचायत बताया दी कि समित प्रबंधक सूर्यदीन प्रजापति और फड़ मुंशी लोरी की यादव जो है पत्ती के फड़ ले से फड़ मां पत्ती ले से इनकार कर दी। उनके द्वारा पहले यह कहा गया जो यह पत्ती के जो लेन देन रहा मतलब तेंदू पत्ता के तोड़ाई के कार्यक्रम रहा 16 मई से शुरू भा, 16 मई से हर ग्रामीण आदिवासी परिवार का कहा गया कि अपना तेंदू पत्तन के संग्रहण के काम शुरू करी और हम पचे रोजाना अपना से फड़ मां यह पत्ती खरीद ले, किंतु आज अपना पंचायत का बताया दी आज 18 मई का महाराजपुर के यह फड़ मां खुलेआम फड़ मुंशी और प्रबंधक के द्वारा बेहद बड़ी लापरवाही का अंजाम दिन का जोने मा फड़ मुंशी सीधे तौर पर ग्रामीणन से जो लगभग 300 से 400 ग्रामीण वह महाराजपुर के फड़ में पहुंचे रहे, वह गोदाम के लगे पहुंचे रहे जहां यह पत्तिन के स्टॉक की इंजात है, किंतु ओठे ग्रामीणन का सीधे तौर पर मना कर देगा कि तो हो पत्ती के खरीदारी न हुई। और अपना पंचायत बता दी कि सबसे बड़ा जो है मा पॉइंट है लूट के बाद ही कि एमा जो प्रबंधक है सूर्यदीन प्रजापति या खुलेआम जो बेचारे गरीब आदिवासी परिवार जो दिन रात जो है मेहनत करके वह पत्ती तोड़ा थे ओकर गड्डी बनावा थे उनसे 5-5 रुपया प्रति व्यक्ति के जो है यह मागिस की 5-5 रुपया देवे ओके बाद तोहरे पत्ती के गिनती कराऊ, तो सोची कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि वह गरीब खेती सरकार या लॉकडाउन मा वह दौर मा जब लोगन के लगे मतलब घर से निकले खितिर सरकार खुद कहती कि न निकला, किंतु वह दौर में लोग निकल के अपने जान के परवाह न कह के या पत्ती तोड़े के काम करते थे, किंतु ओके बाद यह सिस्टम के इतना बड़ा जो है कहा जाए चूक है, सिस्टम में इतना गंदा दाग है कि ऐसा जिम्मेदार गैर जिम्मेदार व्यक्ति जो है अधिकारी कर्मचारी जो है खुलेआम लोगन का जो है खून चूसे मा कौनो गुरेज नहीं करता ही कौनो उनका शर्म नहीं आवे कि आखिर एक गरीब परिवार यदि सुबेरे उठ के या आपन मेहनत करके वह पत्ती तोड़िस तो आखिर काहे नहीं लीन गए पत्ती। अपना पंचन बता दी कि यह तेंदू पत्ता के जो पत्ती के सिस्टम है तब 50 पत्ती के इनका जो है मात्र 2.5 रुपया मिलत है, मतलब एक गड्डी के 2.5 रुपया, तो एक सैकड़ा के यदि अपना बात करें तो 250 रुपया में 100 बंडल या तेंदू पत्ता के मिलत है, किंतु सोची कि 250 रुपया खेतीर एकता पहले गरीब आदमी सुबेरे उठाए पत्ती तोड़े और वो कर गड्डी बनावे और फिर जब वो गड्डी का तेंदू पत्ता के फड़ में जाए मतलब फड़ मुंशी के लगे जाए तो हम ना ही कह रहे, तो आखिर कौन में लागे खुद सोची कि का वह गरीब के मेहनत के मजाक ना होए, खुलेआम गरीब के मेहनत के साथ मजाक हो रहा है यह पूरे मामला में हमारे द्वारा जो है जो ग्रामीण हैं उनसे बात कीन गए तो ग्रामीणों के द्वारा पूरा जो है स्थिति के
वीडियो हमका भेजागा जो अपना पंचायत के सामने हमारे साथ चल रही तस्वीरों में देखा तो सुनी सभी ग्रामीणन के बयान किंतु अपना पंचायत बता दी ये पूरे मामला में हमारे द्वारा कलेक्टर सीधी रविंद्र चौधरी से बात की गए तो उनके द्वारा साफ तौर में यह आदेशित की गया है कि हम DFO से बात करी थे और यह में लापरवाह कर्मचारी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की गई। तो सुनी सबके बयान अपन और अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल धन्यवाद प्रणाम। का हो गया का है अपना भीड़ लगाए हैं भाई पत्ती तोड़े के भेजिन फर्मेंसी या प्रबंधक जी आप पत्ती तोड़ के जोड़ के लगाए ना आप गनाऊ के नहीं काम करते आपका गनाऊ बिल्कुल काम बच्चे जनता तो मर गया ना तो पत्ती तोड़े अपना पहले के भेजा करा है पत्ती तोड़े के 9 बजे भेजा करा 8 बजे लोरी के भेजिन प्रबंधक भेजिन 5-5 रुपया पैसा मांग रहे हैं जनता से दो जमा करो तो पत्ती गिनाएगी। अच्छा तो हम गरीब आदमी कहाँ पाए भैया आज 2 महीने से हम पचे सरकार आपकी क्या समस्या है मौसम गड़बड़ है याद तो नहीं आए और नहीं गनाते लाल। अच्छा यानी आपका कहना है कि पत्ती टूट रही है और ले नहीं रहे फर्मेंसी और कौन बोला था कि नहीं ले रहे हैं हम तो पहुंचे नहीं उस समय पब्लिक बोल रही है कि हम नहीं लेंगे। अच्छा एक दिन पत्ती ली नहीं फर्मा ले और आज क्या कहा था आज कहा था कि ना ले ले जा अपने अपने घरे। अच्छा यह बताएं क्या कह रहे हैं फड़मुंशी जी पत्ती तोड़े मौसम खुल गई सवेरे चले जाए तोड़े पर अब पत्ती नहीं ले रहे हैं पत्ती नहीं ले रहे हैं पैसा ऊपर से मांगा था। अच्छा सही बात है भैया भाई पत्ती तोड़ा ले जनता परेशान है बच्चे आज पत्ता एकदम अपना कैसे खड़े हैं यहाँ पत्ती लेके आए तो पत्ती का नहीं गिनती नहीं करवा रहे चले गए भाग गए आए थे लगता है चले गए। अच्छा आप बताइए आप उनके प्रबंधक के परिवार में है ना हाँ भतीजा। अच्छा ये बताइए सही बात है लोग बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं नहीं सही बात है बोले थे कि जाके पत्ता तोड़ो और जब तोड़ रहे आए तो कहा था कि अब पत्ता ना की नहीं। अच्छा अच्छा आइए इस बोरे में देखते हैं क्या है बोरे में अच्छा ये पब्लिक की जो है ये देखिए ये जंगल से पत्ता तोड़ के ले आए हैं ये तेंदू पत्ता ये तेंदू पत्ता देखिए ये तेंदू पत्ता है ये दिखाइए ये है ये तेंदू पत्ता है देखिए पत्ता में कोई कमी नहीं है लगाई हाथ गोड़ पिरा था कि ठीक है तोड़ा जात है का हो गया है ये देख लीजिए जंगल में गीत इनके गिर गया है इनका ये ब्लाउज फाट गया देखिए ये देखिए और ये बताइए कुछ मिला भी है गमछा मास्क सैनिटाइजर ये देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ कोई नहीं है सबको पत्ती तोड़ा के और यहाँ बुलाया गया है और यहाँ ले नहीं रहा कोई यहाँ से फड़मुंशी और प्रबंधक लोग सबको ही भाग गए और फ्री भी मांग रहे हैं ठीक इसको भेजे नंबर में।